गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब घर बैठे सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। घर पे बैठ के बस आपको कुछ काम नहीं करना है, केवल पढ़ाई करनी है। और यहाँ पे अब मैं नया वीडियो लेकर आई हूँ, हम रोज़ वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप रोज़ घर पे बैठ के एक वीडियो देखो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आज अपना वीडियो है फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर कराए थे मैंने आपको प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की, वही सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है फ्रैक्शन के लिए भी लागू होती है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन भी ए अपॉन बी की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ठीक है। अब फ्रैक्शन तो पता चल गया कि क्या होते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। द फ्रैक्शंस आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। तो फ्रैक्शन होते कितने टाइप के? फ्रैक्शन होते हैं अपने पास चार टाइप के। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गया अपने पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गया अपने पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन देखेंगे अपन यहाँ पे क्या है? इम प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो गया अपने पास? सेकेंड वाला, ठीक है। अब अपन देखेंगे थर्ड फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखो थर्ड फ्रैक्शन आता है अपने पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। और फोर्थ आता है अपने पास में, चार टाइप के होते हैं मैंने बताया आपको पहले, तो क्या फोर्थ क्या आ गया अपने पास में? फोर्थ आ गया अपना यूनिट फ्रैक्शन। जल्दी से नोट करो नोटबुक के अंदर, सब कॉपी पेन पेंसिल सब लेके बैठेंगे और जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे के वैसे ही नोट करना है आपको। तो फ्रैक्शन की मैंने आपको टाइप्स बताया कि कितने टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन होता है फोर टाइप्स का, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप अपने पास था प्रॉपर फ्रैक्शन। अपन एक एक को समझेंगे आराम से, ठीक है। एक एक की डेफिनेशन लिखेंगे, एक एक को समझेंगे कि क्या होता है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे। ये सब क्या है फ्रैक्शन के टाइप्स के। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला अपन क्या देखते हैं, सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं अपन कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसा फ्रैक्शन होता है, किस तरीके का होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए सब जगह फर्स्ट क्या है अपने पास में? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? सबसे पहले देखो फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये तो सबको पता ही होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही अपन फ्रैक्शन बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन बोलते हैं अपन। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके अंदर न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा। मुँह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो मुँह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो मुँह किसके सामने खुला है यहाँ पे? डिनोमिनेटर के आगे। तो डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। और न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला। और डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला। ध्यान रखना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज
प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन हो गया ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये नोट करना अच्छे से, इसके एग्जांपल देखो क्या होते हैं, एग्जांपल साथ साथ में लिखना है, एग्जांपल से ही सब कुछ समझ में आएगा। न्यूमरेटर क्या बोला है, छोटा, डिनोमिनेटर क्या बोला है, बड़ा। तो अपन क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल 2/11, ये क्या हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, ये क्या हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। 2/11 न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, तो 2 क्या है बड़ा है, है बड़ा, ठीक है। और 11 क्या है, सॉरी 2 क्या है छोटा है, 2 क्या है छोटा है 11 से, तो 11 क्या है बड़ा है, तो ये क्या हो गया अपने पास में प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल ले अपन अगर 125/625, बड़ा बात सा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 625 बड़ा है, तो 625 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक अपन देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, नेक्स्ट अपन देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं a b/c। ये वाली फॉर्म आपको पता है ना कैसे होती है, ये वाली फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लो, द फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ a b/c आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये क्या हो जाते हैं अपने पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एग्जांपल कैसे 5/5/2/7, ठीक है। ये 5 का लिखा है, देखना ये जो लाइन है इस लाइन के सामने लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लाइन के सामने लिखा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं अपन देखते हैं। पहले इस फॉर्म में जो होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। आई यहाँ तक बात समझ में आई आप सबको, ये फॉर्म में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन, कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे 7/5 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 7/5 को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आया 35। फिर 35 में क्या करते हैं, यहाँ से तो ये क्या जाता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या होता है प्लस, तो 35+2 कितना हो गया 37। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नीचे जो है वो हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, केवल बदलेगा ऊपर वाला ही, केवल और केवल बदलेगा ऊपर वाला ही, ठीक है। अब जब ऊपर क्या आएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, कितना आया 35 + 2 = 37, तो ये क्या आ गया 37/7। ये अपन ने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही देखो एक और देखते हैं यहाँ पे 5/5/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 5/5 जा पहले नीचे वाला तो हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, मैंने यही बोला कि नीचे वाला हमेशा कुछ भी हो चाहे कोई भी नंबर हो हमेशा क्या होगा सेम रहेगा, ठीक है। तो 5/5 = 25, 25/2 = 27, 27 का आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया अपन ने इसको मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अपन दो अपन के टाइप्स और बचे हैं, इम्प्रॉपर और यूनिट फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर और यूनिट फ्रैक्शन अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब तक आप इसको अच्छे से जो मैंने पढ़ाया है प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन को अच्छे से करो, और इसके अपने आप के थोड़े से एग्जांपल्स बनाओ। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का कोई भी एग्जांपल ले लिया और उसको सॉल्व करो, कोई अपन ने प्रॉपर का ले लिया उसमें बताओ कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है,
ठीक है, इस तरीके से आप घर पर बैठ कर सॉल्व करना, और ये सब जो भी थ्योरी करा रही हूँ ये सब आप नोटबुक में जरूर नोट करें।